नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। इस खास समारोह के लिए आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों में गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने राम मंदिर के दर्शन करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की थी। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को भी न्योता मिला। बताया जा रहा है कि एक्टर इस खास समारोह के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर आने वाले हैं। इस बीच खबरें आई हैं कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में करोड़ों का प्लॉट खरीदा। खबरों की माने तो अमिताभ रामनगरी में अपना नया आशियाना बनाने वाले। रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में प्लॉट खरीदने वाले अमिताभ पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए। कहना गलत नहीं होगा कि एक्टर राम धुन में मग्न हो गए। बताया जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद से ही अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ ने अयोध्या के 7-स्टार प्रोजेक्ट द सरयू में एक प्लॉट खरीदा। एक्टर का ये प्लॉट सरयू नदी के पास है। बता दें कि अमिताभ बच्चन का ये प्लॉट राम मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर। खबरों की माने तो अमिताभ ने 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी है। इस प्लॉट की कीमत 14.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। बताया जा रहा है कि अमिताभ ने जिस प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट खरीदा है उसके कंस्ट्रक्शन का काम मुंबई बेस्ड डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा को दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिल्डर से बातचीत में एक्टर ने बताया कि वो यहाँ घर बनाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं अयोध्या में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। एक ऐसा शहर जो मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। अयोध्या की शाश्वत आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि ने भौगोलिक सीमाओं से परे एक भावनात्मक संबंध बनाया। यह अयोध्या की आत्मा में एक हार्दिक यात्रा की शुरुआत है, जहां परंपरा और आधुनिकता मूल रूप से सह अस्तित्व में होकर एक भावनात्मक टेपेस्ट्री का निर्माण करती, जो मेरे साथ गहराई से जुड़ती। मैं वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने की आशा कर रहा हूँ। बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7,000 लोगों को न्योता दिया गया। वहीं 3,000 वीवीआईपी लोगों को इस भव्य समारोह के लिए बुलाया गया। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी इस खास मौके के लिए न्योता मिला। अमिताभ बच्चन के अलावा जैकी श्रॉफ और कंगना रनौत को भी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दोनों ने इसकी जानकारी भी दे दी। इनके अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, टाइगर श्रॉफ, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी और राजकुमार हिरानी को भी बुलावा आया। बॉलीवुड के अलावा साउथ की जानी मानी हस्तियां भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रजनीकांत, प्रभास, रामचरण, धनुष, ऋषभ शेट्टी, मोहनलाल और चिरंजीवी जैसी बड़ी हस्तियों को भी इस भव्य समारोह के लिए न्योता आया। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि इस भव्य समारोह में कौन कौन शामिल होता है। वैसे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमिताभ बच्चन ने मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर करोड़ों का प्लॉट खरीदकर हर किसी को हैरान कर दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।